हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका अपना रवि एक बार फिर आपके साथ हमारे चैनल पर, जो कि हमारा नाम है अध्ययन ग्रह हैशटैग रवि, और हम कर रहे थे स्पोकन इंग्लिश का कोर्स। और हमने स्पोकन इंग्लिश की कितनी वीडियो डाल दी, 25 वीडियो हम डाल चुके हैं। आज हमारा वीडियो नंबर 26 है और हम 26 वीडियो को पार्ट वन और पार्ट टू में करेंगे, क्योंकि एक वीडियो में ये कन्फर्म खत्म नहीं हो पाएगा। लेकिन आज हम करने वाले हैं वॉइस। हमारे कंसेप्ट का नाम है वॉइस। सबसे मेन बात है, जो वॉइस का मतलब आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है। और आपने सुना होगा एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस के बारे में। इसके बारे में हम जानेंगे ये क्या है, और इस वीडियो में हम इसे खत्म कर देंगे लगभग। लेकिन मैं इसका पार्ट टू बनाऊंगा, क्यों? ताकि आपको एग्जाम्पल करा पाऊं। हो सकता है पार्ट टू ना बने, देखते हैं। इस वीडियो में खत्म हो जाएगा तो कोई जरूरत ही नहीं है, और नहीं खत्म होगा तो हम जरूर बनाएंगे। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। वॉइस, वॉइस बच्चों दो तरह की होती है। पहला एक्टिव वॉइस, दूसरा पैसिव वॉइस। हमको हम बात को दो तरीके से बोलते हैं। जैसे मैं काम कर रहा हूं और मेरे द्वारा काम किया जा रहा है, आप लोगों ने हिंदी में वाच्य पढ़े होंगे, वही है, बिल्कुल वही है। चलिए दूसरी बात, एक्टिव वॉइस के लिए हम यूज करते हैं ये वाला फॉर्म, एक्टिव वॉइस। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। उसके बाद पैसिव वॉइस का फॉर्मेट हम यूज करते हैं, पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट आ जाता है सब्जेक्ट की जगह पर, ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब की हेल्पिंग वर्ब बनती है, मेन वर्ब की भी मेन वर्ब बनती है, ठीक है। और सब्जेक्ट बन जाता है ऑब्जेक्ट, क्या बन जाता है? ऑब्जेक्ट की जगह आ जाता है सब्जेक्ट। तो देखो बच्चों, अभी हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ हमने सेंटेंस का स्ट्रक्चर लिखा है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पर, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पर, हेल्पिंग वर्ब की जगह पर हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब की जगह पर मेन वर्ब। बट आप इस स्ट्रक्चर में देख रहे होंगे ऑब्जेक्ट। सबसे पहले इसको उतार लो, उसके बाद बताता हूं क्या होता है। अच्छा, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये सबसे मेन बात है। आपको मैंने पहले ही वीडियो में कहा था कि बच्चों हमारे सेंटेंस के कितने टाइप होते हैं, दो टाइप नहीं करेंगे, दो पार्ट होते हैं। मैं आपको यहां समझाता हूं, चलो इतना बता दो, बताना पड़ेगा। हम आज पढ़ते हैं ऑब्जेक्ट क्या है, उसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे पैसे वाइज के बारे में। चलिए रुक जाइए, बता रहा हूं मैं इसका। ऑब्जेक्ट सेंटेंस के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक होता है बच्चों सब्जेक्ट और एक होता है प्रेडिकेट। क्या होता है? प्रेडिकेट। सब्जेक्ट को आप जानते हैं डूअर, और प्रेडिकेट का मतलब होता है डूअर की स्पेलिंग शायद मैंने पहले वीडियो में ए लगा दिया था, जो कि गलत था, डूअर ये होता है। इसका मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और होता है एडवर्बियल क्वालिफिकेशन। एड ये लिख देता हूं बच्चों यहां पर, एडवर्बियल क्वालिफिकेशन। देखो एडवर्बियल क्वालिफिकेशन, लेकिन मैंने आपको बताया था कि आप अभी ऐसा मान लो, उस वीडियो में बताया था मैंने आपको कि ऐसा मान लो कि सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बाद जो भी बचा वो क्या है? ऑब्जेक्ट। लेकिन मैंने आपको कहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि सब कुछ ऑब्जेक्ट नहीं होता, ऑब्जेक्ट क्या होता है वो आप जानते हैं। देखो हम हमेशा वर्ब से एक क्वेश्चन पूछेंगे, क्या? व्हाट एंड हू। इस क्वेश्चन का अगर आंसर विजिबल है, आंसर विजिबल है, दिख रहा है या आ सकता है, तो वो होगा ऑब्जेक्ट। इसका आंसर ऑब्जेक्ट होता है, क्या होता है, ठीक है। मतलब अगर वर्ब से मैंने पूछा व्हाट और हूम, क्या और किसे, तो अगर उसका आंसर मुझे मिल जाए तो वो क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है, क्या होता है। लेकिन अगर मैं वर्ब से पूछू व्हेन, वेयर, हाउ, व्हेन, वेयर एंड हाउ, इसका आंसर
अगर मिलेगा तो क्या होगा? एडवर्बियल क्वालिफिकेशन, एडवर्बियल क्वालिफिकेशन। चलो अभी मुझे बताइए आपके सर के ऊपर से जा रहा है, लेकिन हम इसको पढ़ेंगे। कॉम्प्लीमेंट बच्चों दो तरह के होते हैं। कॉम्प्लीमेंट एक होता है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, एक होता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। चलिए इसको अब जरा क्लैरिफाई कर लेते हैं विद एग्जांपल। मैंने आपको क्या बोला? सब्जेक्ट प्रेडिकेट, सब्जेक्ट को डूअर कहते हैं, उसके अलावा जो भी कुछ है वो प्रेडिकेट है। प्रेडिकेट के अंदर ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट वो होता है जो अगर वर्ब से क्वेश्चन पूछे, इसे हम एक तरीके से ट्रांजिटिव वर्ब भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब, मतलब हिंदी में बोले तो सकर्मक क्रिया जिसमें कर्म होता है, और कर्म को ही बोलते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट पता करता है जिसे हम क्या और किसी का आंसर मिल जाए तो वो ऑब्जेक्ट है, और अगर व्हेन वेयर हाउ का आंसर मिल जाए तो वो क्या होता है? एडवर्बियल क्वालिफिकेशन। चलिए करते हैं क्वेश्चन। जैसे कि मैं बोलूं आई ईट अ मैंगो, आई ईट अ मैंगो, ईट ये वर्ब है ना, इससे क्वेश्चन पूछा क्या खा रहा हूं मैं क्या खाता हूं, क्या खाता हूं मैं, व्हाट मैंगो, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, यस। और पढ़ते हैं यू यू डू एक्सरसाइज, यू डू एक्सरसाइज, तुम क्या वर्ब है, क्या करते हो आप, वर्ब है, वर्ब से पूछे क्या क्या करते हो, एक्सरसाइज। यू गिव मी मनी, यू गिव मी मनी, गिव है वर्ब, वर्ब से पूछा व्हाट, क्या दिया, मनी, ये भी ऑब्जेक्ट है, किसे दी मनी, मुझे, ये भी ऑब्जेक्ट है, मतलब व्हाट का आंसर भी है और होम का आंसर भी है, ठीक है, वर्ड का आंसर भी है और रूम का आंसर भी है, तो इसका मतलब आंसर होगा वही क्या होगा, ऑब्जेक्ट। चलिए एक सेंटेंस और लेते हैं अच्छा सा, जिसमें मैं आपको सब कुछ कवर करूंगा। देखो जैसे मैं बोलता हूं आई सॉ अ डेड मैन इन अ पार्क, I saw a dead man in the park. Subject कौन है? I. Subject. Saw a verb. क्या देखा मैंने? What? क्या देखा? Dead man. ये हमारा क्या है? Object. क्या है? Object. ये object है, इस object की विशेषता कौन बता रहा है? Dead. तो ये है object complement. Dead क्या है? Object का complement. ठीक है, कहां देखा मैंने? Where? तो ये एडवर्बियल क्वालिफिकेशन है। क्या ये एडवर्बियल क्वालिफिकेशन है? ठीक है, और हम पूछे के आई एम अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर हूं, तो देखो आई एम अ डॉक्टर, डॉक्टर क्या है, मैं क्या हूं, डॉक्टर हूं, लेकिन यहां पर वर्ब है, तो डॉक्टर क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, क्या ये कॉम्प्लीमेंट, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि आप खुद देख रहे हैं कि आई एम ए डॉक्टर, बढ़िया वर्ब नहीं है, क्या हूं, डॉक्टर हूं, तो आई एम ए डॉक्टर नहीं, मैं डॉक्टर, मैंने डॉक्टर को कहा, किसे कहा, डॉक्टर को, मैंने कहा, तो आई सब्जेक्ट है, डॉक्टर कौन है, डॉक्टर कौन है, डॉक्टर है ऑब्जेक्ट, लेकिन यहां आई एम ए डॉक्टर, डॉक्टर किसकी विशेषता बता रहा है, आई की, तो ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, क्या ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, लेकिन अगर मैं ऐसे ही बोलूं आई पे डॉक्टर, मैंने डॉक्टर को भुगतान किया, क्या किया, भुगतान किसे किया, डॉक्टर, यहां पर ये अब ऑब्जेक्ट है, क्या ये ऑब्जेक्ट है, मतलब वर्ब से हम क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट और हुम, इफ आंसर इज विजिबल और नॉट विजिबल, बट वो वर्ब क्या होगी, ट्रांसलेटेड, दैट इज ऑब्जेक्ट, अगर व्हाट और हुम का आंसर मिलता है तो। चलिए एक और करते हैं जो कि मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि क्या चीज है, ऑब्जेक्ट को पहचानना बहुत आसान है। देखो
शी लाफ्स, ठीक है, यू लाफ। आगे लिखते हैं आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल, ठीक है। यू लाफ एट मी, वर्ब क्या है लाफ, हंसना। क्या लाफ, क्या लाफ, कोई आंसर है नॉट, कोई आंसर नहीं। हूम, तुम मुझ पर हंसती हो, तुम किसी हंसती हो नहीं है, किस पर हंसती हुई है, किसी हंसती हो नहीं है, इसका मतलब इसका आंसर भी नहीं है, हूम का आंसर भी नहीं है। आई गो टू स्कूल, वेयर का आंसर मिल रहा है, कहां जाता हूं, स्कूल, तो ये क्या है स्कूल, ये ए क्यू है, मतलब एडवर्ब क्वालिफिकेशन है, नॉट एन ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। चलिए आगे और देखते हैं, ठीक है। बर्ड्स फ्लाई, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, बर्ड आसमान में उड़ते हैं, कहां उड़ते हैं, आसमान में, वेयर का आंसर है, तो ये ए क्यू है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए पैसिव वॉइस करने के लिए सबसे मेन चीज जरूरी है, आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी वर्ब ट्रांसिटिव है और कौन सी वर्ब ट्रांसिटिव नहीं है। ट्रांसिटिव जिसमें ऑब्जेक्ट होता है, इनट्रांसिटिव या नॉन ट्रांसिटिव जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है। दूसरी बात, ऑब्जेक्ट को पहचानना आपको आ ही गया होगा, तो हम बढ़ते हैं आगे। जिसके अंदर ऑब्जेक्ट नहीं होगा उसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, याद रखना, बनेगा पैसिव वॉइस लेकिन उसका तरीका अलग होगा, वो मैं आपको बाद में सिखाऊंगा, फिलहाल आप इसे देखो जो मैं कराने वाला हूं। देखो सब कुछ पॉसिबल है, एवरीथिंग इज पॉसिबल, क्योंकि इम्पॉसिबल में क्या होता है, आई एम पॉसिबल, यू नो, देखो इम्पॉसिबल, आई एम पॉसिबल, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। मैंने आपको क्या बताया बच्चों, मैंने आपको बताया कि ऑब्जेक्ट को जानना बहुत जरूरी है, ऑब्जेक्ट है या नहीं। दूसरी बात, मैंने आपको ये बताया था कि सब्जेक्ट बन जाता है ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब देन ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट बन जाता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बन जाता है ऑब्जेक्ट, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब, मेन वर्ब एक्टिव वॉइस और ये पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस। चलिए कुछ हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को देख लेते हैं जो कि हम यूजुअली बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं। चलिए अगर सब्जेक्ट में आता है आपका कोई नाम रवि, तो वो ऑब्जेक्ट में भी रवि रहेगा, क्या रहेगा, सीमा सीमा रहेगी, क्योंकि नाम तो ना, नाम कहां बदल जाएगा, सीमा सीमा रहेगी, रवि रवि रहेगा, रोशनी रोशनी रहेगी, पंकज पंकज रहेगा, विजय विजय रहेगा, हिना हिना रहेगी, और दीपिका पादुकोण, दीपिका पादुकोण रहेगी, ठीक है, तो नाम चेंज ही होगा। अगर मान लो यू हो गया तो यू का भी क्या रहेगा, यू, क्या रहेगा, यू, आई का बन जाएगा मी, ठीक है, ही का बन जाएगा हिम, शी का हर, शी का हर, और दे का देम, दे का देम, और उसके अलावा हु का हूं, बी का अस, और हु का हूं, यस। रवि कोई नाम होगा सब्जेक्ट में, तो ऑब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट ध्यान देखे, उनके ऑब्जेक्ट ये बन जाते हैं, ऑब्जेक्ट होगा सब्जेक्ट ये बन जाएगा, ये आपको सबसे पहले यही काम करना है, ठीक है। चलिए, और हाँ एक बात और याद रखना, मेन वर्ब पैसिव वॉइस में हमेशा कौन सी होती है, थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म के रूप में होती है, ठीक है। चलिए एक और कंसेप्ट क्लियर करना है आपका मुझे, हाँ आज हम वॉइस के लिए सबसे मेन चीज, मैंने आपको अभी भी बताया हेल्पिंग वर्ब कि एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब होती है और पैसिव वॉइस में भी हेल्पिंग वर्ब होती है, लेकिन कैसे चेंज होती है इसके लिए जो हम ट्रिक करने वाले हैं यही सबसे मेन काम है। अगर आप पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब को गलत कर देते हैं तो हमेशा पैसिव वॉइस में गलत रहेगा, लेकिन पैसिव वॉइस में कैसे आपको हेल्पिंग वर्ब डालनी है इसका एक रामबाण तरीका है जो मैं आपको सिखाने वाला हूं। एक मिनट रुकिए, आप ठीक है, चलिए पैसिव वॉइस के लिए देखो ध्यान से, हेल्पिंग वर्ब के लिए फॉर
पैसिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब बहुत काम का है, बहुत काम का। देखो मैंने इस वीडियो के अंदर टेंस की वीडियो डाली होगी, इस वीडियो में स्टार्टिंग में या फिर थोड़ा देर बाद मैं वीडियो डालूंगा, एक फोटो डालूंगा, ठीक है। फोटो में ना टेंस की टेबल होगी जो कि मैंने लास्ट क्लास में मतलब डे 24 में कराया है टेंस की टेबल, डे 24 में टेंस की टेबल है। अब टेंस की टेबल आप सभी को याद है, देखो ध्यान से मैं आपको फिर बनाने वाला हूं। बहुत आसान है, ध्यान देना, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, टेंस के नाम लिखो, सॉरी टेंस के नाम इनडेफिनेट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ठीक है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। टेंस के नाम आपने लिख लिए। अब देखो बहुत अच्छी चीज, बहुत काम की चीज है। सबसे पहले एक बात रखना कि कितने टेंस है, 12 टेंस। मैं यहां लिख दू, 12 टेंस होते हैं बच्चों, टोटल टेंस कितने हैं, 12। लेकिन 12 में से आपको पता है ये डू डज वाला होता है, क्या होता है, डू डज वाला, ये होता है डिड वाला, ये होता है विल शैल हेल्पिंग वर्ब, ये होते हैं बच्चों हेल्पिंग कर रहे हैं हम, ये होता है इज एम आर, इज एम आर, ये होता है वॉज वर्ब, और ये होता है विल शैल बी, मतलब विल बी एंड शैल बी, ठीक। उसके बाद ये होता है हैज, ये होता है हैड, ये होता है विल है, विल है या शैल है, ठीक है। ये होता हैज बीन या Have been, ये होता है had been, ये होता है will have been या shall have been। इन कहां गई, दोस्तों तारो को जरा 1 मिनट। हाँ तो फ्रेंड्स देखो मैंने आपको टेंस की टेबल बना दी है जिसमें मैंने हेल्पिंग वर्ब को लिख दिया है, इसको आप बिल्कुल साफ साफ अपने कॉपी में उतारो, उसके बाद मैं बताता हूं कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए किस तरीके से आप हेल्पिंग वर्ब को लोगे, ठीक है। चलिए वेरी वेरी देखिए स्टूडेंट्स, हमने बताया आपको कि टेंस कितने होते हैं, 12, लेकिन 12 टेंस में से सिर्फ 8 का पैसिव वॉइस बनता है, मतलब 4 का पैसिव वॉइस नहीं बनता, इसका नहीं बनता, इसका नहीं बनता, इसका नहीं बनता और इसका नहीं बनता, मतलब पैसिव वॉइस कितना बनता है, सिर्फ 8 का। 8 में से अगर कोई सेंटेंस एक्टिव वॉइस इस फॉर्म में है तो उसकी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी ये वाली, अगर इस फॉर्म में है तो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी ये वाली, इस फॉर्म में है हेल्पिंग हो जाएगी ये वाली, ठीक है। अगर इस फॉर्म में है तो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी ये वाली, इस फॉर्म में है तो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी ये वाली, और इस फॉर्म में है तो हेल्पिंग हो जाएगी ये वाली, मतलब इन 8 में से 1 2 3 1 2 3 6 जो है वो डिपेंडेंट पैसिव वॉइस है, क्या है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डिपेंडेंट, क्या होती है, डिपेंडेंट होती है। लेकिन जो दो है ये और ये, इनके लिए क्या होता है, अगर इनका है, इनका पैसिव वॉइस बनने के लिए क्या होता है, इज एम आर के साथ बीइंग लग जाता है, क्या लग जाता है, बीइंग,
और इसके लिए भी क्या हो जाएगा इज एम साथ के साथ सॉरी वॉज वर के साथ इज एम आर की तरह लग जाएगा बी में जी। मतलब ये हेल्पिंग वर्ब किसी और से लेता है, ये भी किसी और से, वो भी किसी और से, और ये तीनों भी किसी और से लेते हैं, इसके डिपेंडेंट हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब अपने ही लेते हैं, बस बीन का यूज करते हैं। बीन क्यों लगाते हैं, क्योंकि बच्चों ये आईएनजी वाले हैं, क्या है आईएनजी वाले हैं, ये बीन ले लेते हैं, इसलिए ये डिपेंडेंट हेल्पिंग वर्ब है। कौन से हेल्पिंग वर्ब है, डिपेंडेंट हेल्पिंग वर्ब। तो आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है मैंने कि टोटल बच्चों 12 टेंस होते हैं, 12 टेंस में से चार का तो बनता ही नहीं है, तो उनके बारे में अगर कोई बोले कि टेंस उसका पैसिव बनाओ तो वो बनेगा नहीं, बनेगा तो उसका तरीका अलग होगा, वो मैं बताऊंगा, वो एक्सेप्शन केसेस में आता है, ठीक है। लेकिन बनता नहीं है जनरली, आप ये देखो बनता नहीं है, बनता किनका है, सिर्फ 8 का। उस 8 में से जो 6 होते हैं वो अपने से नेक्स्ट वाले की हेल्पिंग वर्ब ले लेते हैं, और जो 2 होते हैं कॉन्टिन्यूस वाले वो हेल्पिंग वर्ब अपने ही लेते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। लेकिन ओके कंटिन्यूस वाले 3 है, 3 में से 1 कंटिन्यूस तो बनता ही नहीं है, तो 2 कंटिन्यूस बनते हैं, उन 2 कंटिन्यूस में वो कंटिन्यूस अपनी ही हेल्पिंग वर्ब को लेते हैं और साथ में बीइंग लगा देते हैं, बस दैट्स इट, उसके बाद तो आप यू ही कर देंगे। चलिए इसको मिटा दो, मिटा रहा हूं मैं, और कुछ एग्जांपल लेता हूं जो आपको समझाने के लेता हूं, या एक काम करते हैं थोड़ा सा और समझाते हैं आपको, उसके बाद आगे बढ़ते हैं एग्जांपल लेने के लिए। चलिए मिटा रहा हूं मैं इसको, मिटा दूं ठीक है, इसको उतार लो, स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप, टेंस की टेबल भी मैंने आपको दे दी है, अब मैं कोई वीडियो में फोटो डालने वाला नहीं हूं, ठीक है। चलिए ध्यान से लिखना, अब आपको कुछ नहीं करना, एक एग्जांपल लिखना है, मैं लिखता हूं एग्जांपल, जैसे कि मैंने इंडेफिनेट शुरू किया, पहले आई टेक टी, मैं चाय लेता हूं, ठीक है। आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूं, आई की जगह शी लगा दो, सी गोज टू स्कूल, ठीक है। और लगाते हैं यू डोंट, मतलब डू नॉट प्ले क्रिकेट, प्ले यू डो नॉट प्ले क्रिकेट। देखो बच्चों ये एक्टिव वॉइस है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, तुम टेक, वर्ब से पूछो क्या, वर्ब से पूछा आपने व्हाट, व्हाट का आंसर मिला क्या, अच्छा है मैं चाय पीता हूं, तो मैंने क्या बताया था ऑब्जेक्ट का बन जाएगा सब्जेक्ट, टी की जगह टी रहेगा क्योंकि ये कोई नाम है। और ये कौन सेंटेंस है, इंडेफिनेट, क्या है इंडेफिनेट, इंडेफिनेट, इंडेफिनेट वाला किससे लेता है वर्ब, अपने नीचे वाले से, इज एमआर से, तो टी इज, ये देखो आ गया ना आपका ये सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब देन ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब देन ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट कहाँ गया, यहां हेल्पिंग वर्ब अगले वाले से ले ली आपने, इज मेन वर्ब थर्ड फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म टेक का बन जाएगा टेकन, टी इज टेकन, और उसके बाद आ जाओ ऑब्जेक्ट, लेकिन ऑब्जेक्ट के लिए हम बाय लगाते हैं, लगाते हैं बाय, बाय ये आप कुछ बच्चों की ऐसी थिंकिंग है कि बाय वाला होगा तो वो हमेशा क्या होगा, हमेशा वो ऐसे हो सकता है, बच्चों बाय जरूरी नहीं है, बाय के अलावा टू भी आएगा, अपॉन भी आएगा, विदिन भी आएगा, लेकिन जरा पेशेंस, बाय कंपल्सरी नहीं है, तो टी इज टेकन बाय, आई का क्या बन जाता है, अभी सिखाया मैंने टेबल, आई का मी, यू का यू, दे का देम, तो आई का बन जाएगा मी, तो देखो कितना अच्छा था, टी इज टेकन बाय मी, जैसे कि आई टेक टी, टी इज टेकन बाय मी, ठीक है। अगर मैं इसी को बोलूं आई एम टेकिंग टी, आई एम टेकिंग टी, आई एम टेकिंग टी, मैं टी पी रहा हूं, मैं चाय पी रहा हूं, तो देखो टी इज याद है ना कॉन्टिन्यूस है, कॉन्टिन्यूस में वो हेल्पिंग वर्ब उसी की लेगा, मतलब अपने ही वाले टेंस से लेगा, टी आर नहीं होता, टी एन नहीं होता, टी इज होता है तो वही ना कंटिन्यूस वाली टी इज। अब बींग लग जाता है बच्चों, ये क्या है डिपेंड है, टी इज बींग, टी इज बींग थर्ड फॉर्म ही आएगी, टी इज बींग टेकन बाय मी, टेकन बाय मी, बहुत सिंपल है,
टी इज बीइंग टेकन बाय मी, टी इज बीइंग टेकन बाय मी, ठीक है। चलिए एक और करते हैं इसी का। अगर मैं कहूं आई हैव टेकन टी, प्रेजेंट टेंस बनाया मैंने आपको, तो टी सिंगुलर है, टी हैज, और नीचे वाले वर्ब में क्या था, बी, परफेक्ट वाला परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के लिए लेता है। टी हैज बीन टेकन बाय मी, टेकन थर्ड फॉर्म आ गया, और बाय मी, तो देखो कितना सिंपल है। वैसे बस बनाना बहुत आसान है, बस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाओ, मेन वर्ब अपने से अलग वाले में, टेंस वाला जो मैंने आपको टेबल बनाई है ना, अभी जो मैंने आपको टेंस की टेबल बना के दी है हेल्पिंग वर्ब के लिए, उसको माइंड में फ्रेम कर लो। अगर आप माइंड में फ्रेम कर लोगे ना तो बहुत आसान हो जाएगा बनाना, कुछ नहीं करना आपको, बस क्या करना है, याद करना है कॉन्टिन्यूस है उसके नीचे वाला परफेक्ट, कॉन्टिन्यूस वाला वर्ब लेता ही नहीं है, इंडेफिनेट के नीचे कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट के लिए परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, इस तरीके से आपको लेना है और बड़े ही सहजता से करना है, बिल्कुल क्लैरिफिकेशन से, कोई जल्दबाजी नहीं है, जल्दबाजी करने का दिन आएगा, लेकिन अभी शांति से बहुत काम होकर माइंड को शांत होकर सीखना है, ठीक है। टी हैज बीन टेकन बाय मी, चलो आगे बढ़ते हैं। शी गोज टू स्कूल, वो कहां जाती है, स्कूल, तो क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट है या एडवर्बियल क्वालिफिकेशन, एडवर्बियल क्वालिफिकेशन, इसका मतलब इसका 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 पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। अब ये नेगेटिव, यू डू नॉट प्ले क्रिकेट, क्या खेलते हो, क्रिकेट, क्या का आंसर है, यस, यू डू नॉट, नेगेटिव है ना, तो क्या दिक्कत है, क्रिकेट, क्रिकेट इज आता है, क्रिकेट इज नॉट आ जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, क्रिकेट इज नॉट प्ले बाय यू, क्रिकेट इज नॉट प्लेड बाय यू, फर्स्ट सिंपल, ऑब्जेक्ट को बनाया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब डू नॉट है तो नीचे वाला इज नॉट आ जाएगा, प्ले का प्ले थर्ड फॉर्म, बहुत सिंपल है। चलिए आपको समझ में आ रहा होगा, ये बहुत ही अच्छा है, और बढ़ते हैं थोड़ा एक दो एग्जाम्पल लेके। अगर मैं बोलूं कि मैंने उसने सी गिव्स मनी टू रवि, सी गिव्स रवि मनी टू रवि, मतलब उसने रवि को पैसे दिए, उसने रवि को पैसे दिए, किसे पैसे दिए, रवि को, किसे पैसे दिए, रवि को, क्या दिया, मनी हूं, मतलब यहां व्हाट का आंसर भी है और हूम का आंसर भी है। अब आप फंस गए, अब आप बोलोगे भैया सर क्या किया जाए, यहां तो दो ऑब्जेक्ट हैं, अब दो ऑब्जेक्ट का एक सब्जेक्ट तो बन नहीं सकता, ध्यान रखना जो भी लिविंग होगा वो पहले आएगा, मतलब उसको हम इंपॉर्टेंस देंगे, तो यहां पर ये नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग है और ये लिविंग है, तो हम लिविंग वाले को इंपॉर्टेंस देंगे। तो देखो या जो भी आप ध्यान रखोगे, मनी नहीं, क्या दिया गया, इंपॉर्टेंट बच्चों ये है, सॉरी यानी लिविंग है, दो ऑब्जेक्ट को लिख कर दिए, लेकिन ध्यान रखना स्ट्रेस आउट कहां पर है, स्ट्रेस आउट है यहां पर, क्या दिया गया, मनी, रवि तो टू को दी गई है ना, ये तो आगे ही बात है, मनी, तो क्या आएगा, मनी ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बन गया, गिव्स इज गिवन टू रवि, मनी इज गिवन टू रवि बाय हर, बाय, या ऐसे भी बोल सकते हो, मनी इज गिवन बाय हर टू रवि, या लेकिन आपको बोलना कैसा है, तो साथ में बोल दो, मनी इज गिवन टू रवि बाय हर, मतलब रवि को पैसा दिया गया उसके द्वारा, उसके द्वारा रवि को पैसा दिया गया, कैसे भी आप बोल सकते हो बात को। चलिए एक दो और करते हैं, समझ में आ गया, दो ऑब्जेक्ट होगा तो जो मेन इंपॉर्टेंट है, जो नियर बाय है, जो देना है, क्या देना, रवि समझ दिया है, क्या दिया है, मनी दी है, तो जो ऑब्जेक्ट वर्क कर रहा है वही आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा पैसिव वॉइस के अंदर, ठीक है। चलिए एक दो और करते हैं, फ्यूचर का लेते हैं, चलो, शी विल बी
ड्यूरिंग हर वर्क, शी विल बी डूइंग हर वर्क। देखो बच्चों ये परफेक्ट नहीं, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है लेकिन फ्यूचर का है, इसका तो पैसिव वॉइस बनता नहीं है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है चलो फिगर करते हैं। शी विल डू हर वर्क, वो अपना काम करेगी, वो अपना काम करेगी, अपना काम क्या करेगी, अपना काम क्या करेगी, अपना काम ऑब्जेक्ट। हर वर्क विल का हो जाता है विल बी, नीचे वाले लेते हैं ना विल का विल बी। हर वर्क विल बी डन, डू का डन बन जाएगा, डू का डन। हर वर्क विल बी डन बाय हर, बाय शी का बन जाता है हर, क्या बन जाता है हर। हर वर्क विल बी डन बाय हर, बहुत सिंपल है। तो ऐसे ही आज की वीडियो में मैंने आपको एग्जांपल जो कराए हैं, एक और लेते चलो। उसने खाना उसने सफाई की थी, शी हैड क्लीन द फ्लोर, उसने सफाई की थी, सफाई की थी, क्या की थी, द फ्लोर, सफाई की थी, सफाई मतलब वर्ब है ये, सफाई क्या किया, फ्लोर किया, द फ्लोर हैड है ना, तो हैड बीन नीचे वाला था ना, द फ्लोर हैड बीन, सॉरी द फ्लोर हैड बीन क्लीन, थर्ड फॉर्म ऑलरेडी है, द फ्लोर हैड बीन क्लीन बाय हर, क्लीन बाय हर, द फ्लोर हैज बीन क्लीन बाय हर। ये हम तब यूज करते हैं जब हमें किसको इंपॉर्टेंस देनी हो, सब्जेक्ट को नहीं ऑब्जेक्ट को। जैसे मैं बोलूं एग्जाम्पल के तौर पे कि मैंने शाहरुख खान को, शाहरुख खान को बोलूं क्या बोलता हूं, मैंने एक बहुत बड़े गुंडे को, बहुत बड़े आतंकवादी को, टेररिस्ट को गोली मार दी, मान लो, मान लेते हैं बाय फॉल्ट लग गई या मैंने मार दी, तो न्यूज क्या आएगी मेरा टीवी पे, न्यूज आएगी कि रवि ने उसको गोली मारी, मतलब दाऊद इब्राहिम मान लेते हैं, रवि ने दाऊद इब्राहिम को गोली मारी, बिल्कुल न्यूज नहीं आएगी। लेकिन आई एम नॉट अ सेलिब्रिटी, मैं फेमस नहीं हूं, लेकिन दाऊद इब्राहिम क्योंकि डॉन रह चुका है, बहुत फेमस है, बहुत ही ज्यादा फेमस है, तो न्यूज आएगी कि दाऊद इब्राहिम को गोली मारी गई। देखा, अगर मैं सलमान खान का वॉलेट चुराता हूं, समझाने के लिए दोबारा बोल रहा हूं, अगर मैं सलमान खान का पर्स चुराता हूं तो न्यूज ये नहीं आएगी कि रवि ने सलमान का पर्स चुराया, न्यूज ये आएगी कि सलमान खान का पर्स चोरी हुआ। क्योंकि कौन इंपॉर्टेंट है यहां पर, सलमान खान का वॉलेट, सलमान खान का वॉलेट इंपॉर्टेंट है, मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूं, आई एम नॉट अ सेलिब्रिटी। याद रखना जब हम ऑब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस देते हैं, जैसे मैं बोलता हूं मैंने सलमान खान का पर्स चुराया, 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 तो न्यूज जो आएगी ना वो ये न्यूज जो आएगी वो इस तरह आएगी, सलमान मैंने नहीं रवि ने कर दिया, सलमान खान का पर्स चोरी हुआ, चोरी हुआ, ऐसे न्यूज आएगी। क्योंकि यहां पर इंपॉर्टेंट कौन है, रवि इंपॉर्टेंट नहीं है, यहां पर इंपॉर्टेंट सलमान खान है, इसलिए ऐसे होना चाहिए, होना क्या चाहिए इंग्लिश में, इंग्लिश में होना चाहिए रवि स्टोल, रवि स्टोल सलमान खान, सलमान खान वॉलेट, वॉलेट, रवि स्टोल सलमान खान वॉलेट, मतलब सलमान खान का वॉलेट चुराया, ये खान का मतलब ऑफ होता है, एस ऊपर लगता है, ठीक है, जैसे बोलो रवि तो रवि डॉट एस, रवीज हाउस रवि का घर, ये ऑफ की तरह काम करता है, ठीक है ना, रवि स्टोल सलमान खान वॉलेट, बनना तो ये चाहिए, लेकिन न्यूज कैसे आएगी, देखो ये क्या है, स्टोल सेकंड फॉर्म है ना, मतलब पास्ट इंडेफिनिट है, तो क्या है ऑब्जेक्ट, क्या है, क्या चल रहा है, सलमान खान वॉलेट, ऐसे आएगा न्यूज आएगी सलमान खान वॉलेट वॉज, नीचे वाली बार मिलेगा ना वॉज
कंटिन्यूअसली वर्ब कहते हैं ना ये हेल्पिंग वर्ब। सलमान खान वॉलेट वॉज स्टोलन, थर्ड फॉर्म आ गई, सलमान खान वॉलेट वॉज स्टोलन। मेरा तो नाम भी नहीं आएगा, बाय रवि आना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, बाय रवि क्योंकि सब्जेक्ट है ना रवि, सब्जेक्ट बन गया ऑब्जेक्ट। तो देखो सब्जेक्ट का बन गया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बन गया सब्जेक्ट, थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म थी, थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, हेल्पिंग वर्ब डिड वाली थी, डिड वाले डिड में हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो नीचे वाला ले लिया वॉज। सलमान खान वॉलेट वॉज स्टोलन बाय रवि, हालांकि न्यूज में तो मेरा नाम भी नहीं आएगा, बस ये आएगा सलमान खान का पर्स हुआ चोरी। तो आप समझ गए होंगे जब हम ऑब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस देते हैं, जब हम ऑब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस देते हैं तो हम क्या लगाते हैं पैसिव वॉइस। जैसे अगर मैं बोलूं कि भारत नरेंद्र मोदी द्वारा चलाया जा रहा है, इंडिया इज बीइंग रन बाय नरेंद्र मोदी, इंडिया को नरेंद्र मोदी द्वारा रन किया जा रहा है, ठीक है। तो पैसिव वॉइस आई होप आपका बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन हम अगली वीडियो में मिलेंगे इसके लिए डिटेल क्वेश्चन या एग्जांपल आपको समझाने के लिए, क्योंकि तो इतना आपके लिए सिर्फ बेनिफिशियल है 10th क्लास तक के लिए और 12th क्लास तक के लिए बेनिफिट है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि जिनका पैसिव वॉइस नहीं बनता उनका पैसिव वॉइस भी बन सकता है, और जरूरी नहीं है कि हर किसी में बाय है, क्या है बाय है। तो अगली वीडियो मतलब डे 26 का ये पार्ट वन है, हम करेंगे इसी का पार्ट टू, पार्ट वन है ठीक है, इसी का पार्ट टू करेंगे और पैसिव वॉइस को खत्म कर लेंगे। तो चैलेंज है, इससे अच्छा कहीं और नहीं, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।